नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि AGTA की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और बहुत ही जल्द आएंगी। 3446 प्लस 400 पद बढ़ने की उम्मीद है मेरे बच्चों। आज ये 77 नंबर का वीडियो होगा एग्रीकल्चर का। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, स्टडी विद नीरज सर चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, उस पे जो है AGTA 3446 प्लेलिस्ट पड़ी है, उस पे आपके लगभग लगभग 77 वीडियो हो चुके होंगे AGTA के एग्रीकल्चर के। आप वहां पर जाइए और उन वीडियो को देखिए, कितने ऑथेंटिक क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं, ज्यादा ज्यादा प्रश्न वहां पे जो है रखे गए हैं। आज इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चनों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप आगे बढ़े, आप जो है स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आप तक आए और आपका सिलेक्शन हो। सिर्फ सिलेक्शन आपका कब होगा? जब आप कड़ी मेहनत से पढ़ेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इसमें आपका सिलेक्शन होगा मेरे बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। पहला प्रश्न देख लीजिए, पहला प्रश्न इसको आप पढ़िए और आंसर इसको दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर इसका दीजिए। देखिए, दिया क्वेश्चन संख्या दी गई है कि यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 12%, 16%, 18% और या 20%? तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, इसका जो आंसर सही है वो 12% है। अगर आप खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसकी आर्द्रता अंश 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए आया हुआ है, जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे क्वेश्चन आए हुए होंगे, कहीं नहीं कि परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं, हर परीक्षा से संबंधित जहां जहां एग्रीकल्चर को क्वेश्चन आए हैं वहां मैंने कराया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या दो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या दो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या दो मेरे बच्चों देख लीजिए, कहता है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान भारत के किस राज्य में है मेरे बच्चों? इसका आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में नहीं है, ना ही गुड़गांव में है, पूछा ना ही दिल्ली में, मैसूर कर्नाटक में है। ये इसका राइट आंसर हो गया, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने की प्रबल संभावना है मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन संख्या दो के बाद हम क्वेश्चन संख्या तीन की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या तीन क्या कहती है। पाश्चराइजेशन, इससे आप लोग संबंधित हैं, ठीक है। पाश्चराइजेशन क्रिया के संबंध में, क्रिया के संबंध में मेरे बच्चों कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन संख्या मेरे बच्चों यह है तीन, क्वेश्चन संख्या है कितना, तीन नंबर है। फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से ऊपर गर्म करना, फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से नीचे से गर्म करना, फलों को 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करना, या फलों को 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना, ठीक है। तो देखिए, पाश्चुरीकरण जो है मेरे बच्चों, क्रिया का संबंध जो है आप देख लीजिए इस कथन से है, क्वेश्चन संख्या तीन का बी, फलों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से नीचे गर्म करना जो है पाश्चुरीकरण के अंतर्गत जो है आता है। बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन संख्या हम चार की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या चार की तरफ। कहीं आप नहीं जाइएगा, ठीक है, क्वेश्चन संख्या चार की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, एक दो तीन हो चुका, चार, एक हो, एक दो तीन, ये चार, ठीक, देख लीजिए। लिखा है मैक्रोनी, क्या लिखा है मेरे बच्चों, मैक्रोनी। आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बढ़िया प्रश्न है।
मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में, विलंब से बोने के लिए, असिंचित परिस्थितियों के लिए, या उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या हम 4 की बात करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है? 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 4, ठीक है? क्वेश्चन संख्या 4, इस 4 का आंसर आप लोग दीजिए। इसके लिए जो सुटेबल आंसर है मेरे बच्चों, वो है असिंचित परिस्थितियों के लिए। क्या है वो? है असिंचित परिस्थितियों के लिए। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 5 पर आएंगे। क्वेश्चन संख्या 5 पर आएंगे, भारत में देख लीजिए, भारत में, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। यस, क्वेश्चन संख्या 5, भारत में ग्वार, ग्लस इसे मतलब क्लस्टर बीन, का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इन संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा यह कथन सही है? बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुगट्टियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। इस पौधे की पत्तियों के सार में प्रतिहिस्टामिन गुणधर्म होता है। यह उच्च गुणता के जैव डीजल का एक उपयुक्त स्रोत है मेरे बच्चों, ठीक है? तो आपको बताते हैं, 5, 5 का, ठीक है? 3, 5, ठीक, 5 का देखिए। हाँ, अब इसका आंसर जो सही है वो है मेरे बच्चों, इसके बीजों से निमित्त गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 हो गया। 5 के बाद हम 6 पे बढ़ते हैं, देख लीजिए। 6 बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न, देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 6 बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्या है देख लीजिए। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। नंबर एक, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नंबर दो, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। नंबर तीन, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। चलो, तो इसमें मेरे बच्चों ये तो कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक है? उड़द की खेती खरीफ, गलत है ये क्वेश्चन। ये आपका 2 नंबर, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का उत्पादन होता है, तो बी वाला सही होगा, केवल, सॉरी, हाँ, बी वाला सही होगा, केवल 2 और 3, सॉरी, ये भी सही है, ठीक है? केवल 2 और 3, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा भी है, तो बी वाला सही होगा, केवल 2 और 3, ठीक है? ध्यान रखना, केवल 2 और 3, ठीक, ये दोनों आपके इसमें सही माने जाएंगे, ठीक है? 2 और 3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे देखिए क्या कहा गया। धारणी कृषि, धारणी कृषि का तात्पर्य है, यूपीपीसीएस 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चों, ठीक है? धारणी कृषि 7 नंबर लिखा है, धारणी कृषि का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता है, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात आयात कर सकना, भूमि के इस प्रकार प्रयोग की गई गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे, कृषि प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि का प्रयोग में लाया जाए। अच्छा, यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपको हम दे दें मेरे बच्चों, जो मेरा बैच है विजय पथ 2.0, ठीक, देखिए ये पहले 2599 में था मेरे बच्चों, फिर कम करके 1499 किया गया, फिर 900 में किया गया, फिर 700 में किया गया, 749 में, इस समय दिवाली के ऑफर में सिर्फ 499 का है मेरे बच्चों। स्टडी विद नीरज सर, विजय पथ 2.0 को जो है 499 में कर दिया है। 499 में आपको लाइव क्लास आपको प्रोवाइड की जाएंगी ऐप पर मेरे बच्चों, ऐप पर प्रोवाइड की जाएंगी स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर मेरे बच्चों, ये ऐप है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको पेमेंट करना होगा। और इसी के साथ
इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले जैसे आप कोर्स को लेते हैं विदिन 2 डेज में आपको 1000 प्रश्नों की एग्रीकल्चर की ये 1000 प्रश्नों की नोट्स की PDF आपके व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। ध्यान ये 2000 में नोट्स मेरा बाहर जाता है वो आपको सिर्फ 499 में कोर्स परचेस करने के बाद आपके व्हाट्सएप पे 1000 प्रश्नों की एग्रीकल्चर की सीरीज प्लस आपको एजी का नोट्स 230 प्रश्नों का जो है आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ ऑफर ये मेरे बच्चों आज रात 12 बजे तक है बस। कल से आपको फिर वही 999 में ये आपको लेना पड़ेगा। चलिए इस पे बात करते हैं। धारणी कृषि का अर्थ क्या है? 7 नंबर, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण बनी रही, ये सी इसका जो है आपका सही आंसर है धारणी कृषि। चलिए 8 नंबर पे आते हैं, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य जिसे हम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य जिसे हम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या है 8। अच्छा इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है जूम कर लेते हैं तो आपको बेटर और दिखाई देगा। देखिए 8 नंबर पे लिखा है कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य जिसे हम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, ये क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 8, ठीक है। तो इसमें है इसका राइट आंसर सी, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो वह सपोर्ट प्राइस जो है के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 8, क्वेश्चन संख्या 9 पर बढ़ेंगे मेरे बच्चों। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 9, देखिए 9 क्या कहता है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के निर्धारण का मानक क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मानक है मेरे बच्चों जिसकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है, जिसकी वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम है वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को निर्धारण का मानक है, ठीक है। अच्छा ये 9 क्वेश्चन हुए, ठीक है आप जाएंगे नहीं मेरे बच्चों, ध्यान रखना जाएंगे नहीं। नो क्वेश्चन इसमें भी आपको लगभग लगभग 15 क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे, ठीक है 15 क्वेश्चन जाएंगे नहीं, ठीक। चलिए इसको हम यहां से बैक करते हैं, ठीक, और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आप 1 मिनट रुक जाइए। चलिए 9 क्वेश्चन हो गए हैं, हम 15 क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक। चलिए एक सेकंड यार, चलिए चली गई PDF कहीं। ये 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। इसके लिए जो है अगर इसके आगे आप और भी क्वेश्चन लेना चाहेंगे, अगर आप विजय पथ बैच को जो है विजय पथ 2.0 को परचेस करना चाहते हैं, इस समय 499 में मात्र है। आपको सारे नोट्स PDF 1000 प्रश्नों की सीरीज सब कुछ आपके व्हाट्सएप नंबर पर जो है प्रोवाइड की जाएगी इसको लेने के बाद मेरे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।